जाम लग गया भाई। सो हे गाइस, राम राम, हेलो नमस्ते, क्या हाल है सबके, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई आज है आई अवेयरनेस राइड, साई भाई सती दास, साई भाई दास आश्रम ईसा कुछ नाम है वहाँ पे, तो अभी वहाँ पे चलते हैं। तो भाई आज यहाँ पे राइड, यहाँ पे आई डोनेशन अवेयरनेस के लिए की गई है आज राइड। तो भाई ये मिल गया है, ये लगाना साइकिल पे आगे। तो भाई ये लगा साइकिल के आगे, और एनसीसी वाले भी आए हुए हैं संबंधित जो भी भ्रांतियां, जो भी मिथक जनता के बीच में है। शिक्षा भारती है आपका इंटरफेयर है, कॉलेज है। तो भाई अभी बाहर लगा रहे हैं सभी साइकिल्स को फोटो शूट के लिए। जाम लग गया भाई। तो भाई होगी राइड स्टार्ट। पीछे एम्बुलेंस है, वो आगे आएगी, वो एस्कॉर्ट। तो भाई हो चुकी राइड स्टार्ट, अब यहाँ से गुआड़ा अड्डा, वहाँ से सिविल हॉस्पिटल और फिर पीजीआई की तरफ। तो भाई इतना कुछ क्राउड है। तो भाई पहुंच गए मेडिकल मोड पे, यहाँ से आ गए शायद, अब कहाँ पे जा रहे हैं पीजीआई के अंदर आ चुके हैं। सभी लोगों को सचेत करें, जीते जी रक्तदान। रक्तदान की आज भारत अपने रोहतक में कोई कमी नहीं है, हरियाणा में नंबर वन। अभी हम आ रहे थे अंबेडकर चौक पर, यहाँ मेडिकल बोर्ड पर हमारे डॉक्टर गोपाल जी हैं, 331 कैंप लगा चुके हैं। सुंदर जेतड़ी जी हैं, 100 से भी ज्यादा बार रक्तदान कर चुके हैं। ये कितनी बड़ी बात है, इससे मानवता को ये संदेश जाता है कि अपने लिए हमें नहीं जीना, ये मत पूछो देश ने हमें क्या दिया, स्वयं से पूछो कि हमने देश के लिए क्या किया। इससे बड़ा कोई वरदान नहीं हो सकता। आप सब भाइयों से, युवा बच्चों से, सभी विभिन्न संस्थाओं से आए सहयोगी साथियों से, मातृशक्ति से मेरा अनुरोध है, इस संदेश को जन जन तक पहुंचाएं और नेत्रदान को सफल बनाएं, ताकि कोई अंधता के कारण इस सुंदर संसार को कहीं देख पाने में समर्थ न हो सके। हरियाणा में जितनी भी आई डोनेशन हो रही हैं, जो कि मैंने पाया है, वो ज्यादातर हमारे बुजुर्ग लोगों की हो रही हैं। यंग डेथ्स में हमें आई डोनेशन नहीं मिल पा रही है। ये हम सब लोगों की कोशिश है कि चाहे वो हमारे परिवार की डेथ है, हमारे अड़ोस पड़ोस की डेथ है, हमारे सराउंडिंग जहां भी हम जाते हैं, हमें उनको प्रोत्साहित करना चाहिए कि देखो भगवान की मर्जी के आगे तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जाते जाते अगर हम कुछ कर सकते तो वो ये एक चीज है, आंखें दान। आंखें दान, एक प्राणी की आंखें दो होती हैं, और दो आंखें दान करने से चार लोगों को नेत्र ज्योति मिल सकती है।
तो कितना बड़ा मतलब एक तरह से हम मानवता के प्रति ये सेवा कर रहे हैं कि ये आंखें फैक्ट्री में तो बनती नहीं है। और इन रैलीज का पर्पज बेसिकली ये है कि ये सिर्फ हमारा कुछ लोगों का कार्य नहीं है, अगर एक आदमी अगर 50 आदमियों तक ये भावना पहुंचा दे और मतलब हर घर में हम भी जहां भी बात करते हैं बस एक सहज तरीके से बता दें कि ये भी एक चीज है कि दान की जा सकती है। क्योंकि अभी मैं पीछे ओमान में था तो मुस्लिम कंट्रीज में आंखें मतलब उनको क्योंकि दफना दी जाती हैं तो वहां पर इतनी ब्लाइंडनेस है आप विश्वास नहीं कर सकते। मतलब 30% जो 50 साल से ज्यादा लोग हैं उनको डायबिटिक रेटिनोपैथी की वजह से और कॉर्नियल ओपेसिटी की वजह से उनको ब्लाइंडनेस है और कितने डिपेंडेंट है वो। हम लोग तो बहुत भाग्यशाली है कि हमारे इंडिया में और पर्टिकुलरली हरियाणा में इतने पहलवान और हेल्दी लोग हैं, इनकी आंखें इतनी हेल्दी हैं। सिर्फ एक ये दान की मुहिम अगर हम चला दें तो हमारे बहुत सारे जो बुजुर्ग हैं और बहुत यंग जो लोग हैं जिनकी पूरी जिंदगी पड़ी है उनको अगर नेत्र ज्योति मिल जाए तो हमारा देश का मानवता का उत्थान होगा। तो भाई अभी ग्रुप फोटो हो रहा है, उसके बाद रिफ्रेशमेंट लेंगे एक दो माजा, उसके बाद फिर जब चलते। तो भाई पहुंच गए घर पे, भाई ये मिली थी रिफ्रेशमेंट ला मम्मी। क्या करनी है रिफ्रेशमेंट ले तो ले लिया, इतने मिले थे इन्ने खातर तो गया था मैं ना भाई राइड खातर गया था। आज नहीं आई मम्मी का जाली वन। तो भाई जो कल आपने इंस्टाग्राम की रील में देखी होगी वे दो का वो इकट्ठी आया करे, आज ना आई। तो भाई आज बने परोठे इसका मैं कुड़ाला परोठे खाएंगे आज, चीट हो गया संडे को। और भाई मेरी जिम भी सही चल रही है, पहले घर पे कराया करता तो 100 पुशअप्स मारा करता बस, इब तो जिम में तो 100 पुशअप्स वार्म अप हो मेरा तो उसके बाद सही था, बढ़िया चल रहा है वर्कआउट भी। तो भाई इब हो गया शाम का टाइम और खाने का टाइम हो गया। तो ये देखो ये नींबू का पेड़ है, ये नींबू लाग रहे हैं इस साइड घर में, ये अच्छे नींबू लाग रही है, तोड़ लिया नींबू। इब तुमने दिखाऊंगा प्याज खाने का तरीका, तो प्याज काट लो इतने इतने से कच्चे प्याज खाने हो, फिर यो थोड़ा सा चाट मसाला गिर गया गिर लो एक बार डाल लो और ये नींबू काट कर नींबू डाल लो और फिर देखियो कच्चे प्याज खाने में कितने बढ़िया लगे, वैसे तो इतने बढ़िया नहीं लगेंगे फिर बढ़िया लगेंगे और खाने में अब चावल और छोले आज रेडी इविन को खाओगे ना बिल्कुल मस्त लगेंगे। तो भाई इस वीडियो के करते हैं यही खत्म और आज मेरा फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज, तो वो दिखाऊंगा मैं कल के व्लॉग में। और इंडिया पाकिस्तान का मैच था, इंडिया हार गया, बहुत दुख रहा है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट भी कर दो, जरूर रीच बढ़ेगी उससे। बाय, कल वाला व्लॉग जरूर देखना।